लोगों को हम बता देते हैं कि आखिर कहां पर कितने सैनिक अभी डटे हुए हैं रशिया के, कहां पर नेटो सैनिक डटे हुए हैं और कहां पर अमेरिकी सैनिक डटे हुए हैं। सबसे पहले ये वर्ल्ड मैप आप देख रहे हैं, इसमें भारत आपको नजर आ रहा है। भारत से जो यूक्रेन की दूरी है वो 4561 किलोमीटर की है। रशिया में अभी लगातार जो यूक्रेन को लेकर रणनीति चल रही है वो क्या है वो भी आपको बता देते हैं। वो इसलिए क्योंकि रूस के जो सैनिक है वो अलग अलग जो बॉर्डर एरियाज हैं यूक्रेन के वहां से अंदर घुसने की तैयारी कर रहे हैं। देखिए तैयारी के अंदर घुस भी चुके हैं, खार्किव में तो पहुंच भी चुके हैं जो रशियन सैनिक हैं वो। तो रूस के अगर हम सैनिकों की बात करें तो ये जो रेड डॉट्स आप देख रहे हैं ये उन सैनिकों को दर्शाते हुए डॉट्स हैं। क्रीमिया में भी कुछ सैनिक डटे हुए हैं। फिलहाल यूक्रेन सीमा पर कितने सैनिक तैनात हैं वो आप देख सकते हैं, 1,40,000 सैनिक अभी यूक्रेन के बॉर्डर्स पर तैनात हैं जो कि रूस के सैनिक हैं। बेलारूस में जो अस्थाई सैनिक हैं वो भी डटे हुए हैं। साथ ही आपको बता दें कि बेलारूस के जरिए, क्रीमिया के जरिए, लुहांस के जरिए, दोनियास के जरिए यूक्रेन के अंदर ये सैनिक घुसे हैं जो कि खार्किव तक अब पहुंच चुके हैं। साथ ही आपको हम एक और जानकारी दे देते हैं कि जो नेटो सैनिक है वो कहां कहां पर अभी मौजूद हैं। तो इस्टोनिया, लातविया और लिथुआनिया ये वो जगह है जहां पर अभी 4,000 नेटो सैनिक अभी डटे हुए हैं। आपको ये भी बता देते हैं कि जो अमेरिकी सैनिक हैं वो अभी कहां कहां पहुंचे हैं और उनकी क्या पोजीशन है। अगर हम बात करें तो अलग अलग क्षेत्रों में 35,000 माफ कीजिएगा सैनिक जर्मनी में अभी तैनात हैं जो कि कोशिश में है कि वो अभी बचा सके, साथ ही इनको प्रोटेक्ट कर सके, इनकी बॉर्डर्स पर ये तैनात हैं। 4,500 सैनिक पोलैंड में तैनात हैं, रोमानिया में तैनात हैं 1,000 सैनिक, 2,500 सैनिक तैनात हैं बुल्गारिया में। आपको ये बता दें कि जो इस रास्ते से होते हुए भारतीय छात्र आ रहे हैं वो यही रास्ता है। साथ ही रशिया ये बिल्कुल नहीं चाहता है कि जो नेटो सैनिक हैं वो रूस के दरवाजे तक पहुंचे या इधर जो बॉर्डर एरिया है वहां तक भी पहुंचे। प्रीति जी, ये तमाम जानकारी दी हमें जिया ने और ये बहुत बहुत अहम जानकारी है। इसके मायने क्या होंगे और रूस की रणनीति क्या रहेगी इसको दिमाग में रखते हुए कि नेटो के सोल्जर्स कितने करीब हैं रूस के बॉर्डर के और अमेरिका कितनी जल्दी यूक्रेन की मदद दे सकता है। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।